सा फंक्शन पढ़ते हैं? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा एक मेथड है गेट एलिमेंट्स, गेट एलिमेंट्स है, यानी कि यहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स रिटर्न होंगे, गेट्स एलिमेंट बाई क्लास नेम, है ना। दिस इज अ फंक्शन विच इज अवेलेबल इन साइड द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। इसका काम क्या है, देखो जो गेट एलिमेंट बाई आई डी है, गेट एलिमेंट बाई आई डी में क्या था, वहां पर सिंगल एलिमेंट रिटर्न होता था। मतलब हमें क्या करना है, एचटीएमएल कोड के अंदर किसी पर्टिकुलर टैग की सिर्फ एक ही यूनिक आईडी देनी है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जावास्क्रिप्ट सॉरी एचटीएमएल प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे टैग्स ऐसी हो जिनकी क्लास सेम हो, है ना। अगर क्लास सेम है तो उनको कैसे एक्सेस करें, तो आप क्या यूज करोगे, डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो उसको डिस्कस करते हैं, इसकी वर्किंग क्या है। ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक एरे रिटर्न करेगा, हाँ क्लास के नेम सेम मल्टीपल ले सकते हैं, ठीक है। उसी के लिए डिजाइन बनाया गया है, यहां पर वन एलिमेंट सिंगल एलिमेंट रिटर्न हो रहा, यहां एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स है ना, एस लगा हुआ है, तो यहां पर मल्टीपल वैल्यू रिटर्न होगी इसका मतलब, ठीक है। इसको ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा। तो उसको चलो चेक करते हैं कैसे एग्जीक्यूट होगा। सपोज हमने एक पैराग्राफ लिया पी, पी के अंदर हमने लिखा हेलो वन स्लैश पी, इसको क्लास दे देते हैं एबीसी, सपोज वन टू थ्री फोर, ठीक है। ये चार क्लास दी, एक क्लास और देते हैं, इसका नाम दे देते हैं कुछ और डी एफ, इसकी आईडी देते हैं फाइव। तो यहां पर आपके कितने क्लासेस हैं, चार क्लासेस हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सपोज हमने एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, इसे समझते हैं। देखो जिनकी क्लास नेम क्या है, एबीसी, हमने उसको किसमें ले लिया, एक वेरिएबल लिया एक्स, ठीक है एक्स। अब ये एक्स के अंदर वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्या है, यहां पर ये जो रिटर्न करेगा गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, इट विल रिटर्न एन एरे, ये आप एक एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। एक एरे बनेगा, उस एरे के अंदर ये एक्स एक एरे है, उसमें जो फर्स्ट क्लास है उसका नाम आएगा एबीसी, ठीक है। पहले वाला पैराग्राफ फर्स्ट लोकेशन पे आएगा जीरो इंडेक्स पे, आपका जो दूसरा पैराग्राफ जिसकी क्लास एबीसी है वो आएगा आपका सेकंड इंडेक्स पे, सॉरी वन इंडेक्स पे, सेकंड पोजीशन पे। आपका जो ये वाला पैराग्राफ है ये आएगा आपका एबीसी वाला, ये आएगा आपका थर्ड पे, आपकी सॉरी सेकंड इंडेक्स पे, वन टू थ्री, थ्री पे भी आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला एबीसी आ जाएगा एबीसी, ठीक है। तो मैं अगर एक्स की एक्स को प्रिंट कराऊं, कंसोल पे प्रिंट कराया मैंने, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, मैंने प्रिंट कराया एक्स, एक्स है ना, नेक्स्ट लाइन में मैंने प्रिंट कराया एक्स की लेंथ, एक्स की लेंथ, ठीक है। एग्जीक्यूट कराते हैं और चेक करते हैं क्या आउटपुट आएगा। सेव एज करते हैं, ये कहीं और सेव हो गया, डॉट एच टी एम एल सेव किया, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं 39, ये आपका हेलो वन हेलो टू हेलो थ्री हेलो फोर, ये तो आउटपुट आ गया। अब इसका कंसोल देखते हैं,
आप यहां पर चेक करो, यहां पर दिखा रहा है पी जीरो पर, जीरो इंडेक्स पे क्या दिखा रहा है आपका एबीसी 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 एबीसी, जिसकी लेंथ कितनी है, चार है, यानी कि आपका फोर साइज का एक एरे क्रिएट हो जाएगा, फोर साइज का। ये जो पहले वाला पैराग्राफ है इट इज प्रेजेंट फर्स्ट इंडेक्स, जीरो इंडेक्स पे अवेलेबल होगा। जो आपका दूसरे वाला क्लास है ये आपका फर्स्ट इंडेक्स पे अवेलेबल होगा इस पर, ठीक है, ये आपका सेकंड इंडेक्स पे, और ये वाला आपका फोर्थ इंडेक्स पे। जिनकी क्लास सेम है वो एक एरे के अंदर जाएंगे। क्या इतना पॉइंट समझ में आया सभी की? यहां पर एक्स जो एरे है उसकी लेंथ चार है, क्योंकि आपके चार पैराग्राफ ऐसे हैं जिनके क्लास सेम है। क्लियर है? गुड। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक्स वन पर मैंने स्टाइल लगाया, स्टाइल डॉट, मैंने स्टाइल लगा दिया कुछ भी, जैसे मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इक्वल रेड कर दिया, तो किस एलिमेंट का कलर रेड होगा? कोई बताएगा कौन से वाले पैराग्राफ का कलर रेड होगा? अगर मैं इस प्रोग्राम को एक्स वन पर जो मैंने अप्लाई किया कलर रेड अप्लाई किया, तो कौन से पैराग्राफ का कलर रेड होगा? हाँ, तो इसमें जो कलर रेड हो जाएगा आपका सेकंड वाले का हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखो कलर किसका हो गया, इसका। यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये जो है आपका किस इंडेक्स पे है, ये आपका वन इंडेक्स पे है, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ। इसी तरह से मैं इसको कॉपी करता हूं, यहां पर लिखा मैंने इंडेक्स कौन सा होगा, जिसकी इंडेक्स थ्री है, ये वाला प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा मैकेनिज्म मेरे पास क्या है, मैं लूप के थ्रू भी इनको एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। जैसे आपको करना क्या है, मैंने फोर लूप लगाया, फॉर लूप के अंदर मैंने आई ले लिया, आई की वैल्यू जीरो, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, वेरिएबल आई, आई की वैल्यू जीरो, आई लेस देन कहां तक चलाया मैंने, एक्स की लेंथ तक, आई प्लस प्लस, ठीक है, मैंने अप्लाई किया एक्स आई पोजीशन पर बैकग्राउंड कलर हमारा क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। इसका क्या इफेक्ट आएगा, कोई बताएगा? तो आपके चारों कलर क्या हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे, ऑल आर एबीसी वाले। एक मिनट, कहीं पर कोड में दिक्कत है, चेक करते हैं इसको, कमेंट करता हूं मैं, इसको भी कमेंट करता हूं। आई की आई ले लिया, आई की वैल्यू जीरो, जीरो लेस देन एक्स की लेंथ, आई प्लस प्लस, एक्स आई बैकग्राउंड कलर आपका ग्रीन हो गया। अच्छा, यहां पर वो तो लिखो स्टाइल, स्टाइल आपका बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, कंट्रोल एस सेव, तो सारे के सारे क्या हो गए, ग्रीन हो गए। जिसकी आईडी डीएफ थी वो बचा हुआ अभी, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका पैरा क्लास ही हो, पैराग्राफ ही हो, कोई डिवीजन भी हो सकता है। सपोज कोई डिवीजन है, डिवीजन है, ठीक है, इस डिवीजन के अंदर मैंने लिख रखा है दिस इज ए कैट, ठीक है, इसकी भी मैंने क्लास क्या दे दी, क्लास दे दी। आपके एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है जी। मैंने एक वर्ड लिया, जैसे एक पैराग्राफ लिया पी, पी के अंदर मैं लिखा हेलो
जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामर स्लैश पी, ये लिखा मेरे को जावा स्क्रिप्ट जो है टैग ये मैंने ले लिया, स्पैन स्पैन टैग लगाया इस पे, और इस स्पैन टैग को क्लास दे दी मैंने क्या एबीसी। तो जितने भी आपके टैग जिनकी क्लास एबीसी है ना, उन सब का कलर क्या आ जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, ये देखो दिस इज अ कैट, ये आपका डिवीजन था, इसका भी बैकग्राउंड आ गया, ये हमारा स्पैन टैग था, स्पैन टैग का कलर भी क्या आ गया आपका स्पैन, इसका भी बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। तो जिनकी भी क्लास होगी ठीक है उनका कलर बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, जिनकी क्लास एबीसी है उनका बैकग्राउंड कलर आपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर ग्रीन कर रखा है, ठीक है। समझ आया था ना, बोलो इस एरे का साइज कितना होगा, कोई बताएगा एरे का साइज क्या होगा, इस एरे एक्स एरे का साइज क्या होगा, ठीक है ओके सिक्स आएगा इसका, ठीक है क्योंकि हमारी क्लासेस जिनकी आईडी एबीसी है वो सिक्स है, ठीक है एक यहां पर है सिक्स है टोटल, तो ये आपके एरे में स्टोर होता है, ठीक है जी। इसी तरह से मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं, ध्यान से सुनना असाइनमेंट, उस असाइनमेंट को आपको बनाना है। आपको सिंपली करना क्या है, ये एक डिवीजन है, इस डिवीजन का कलर इस बटन की क्लिक पर, एक बटन है इस बटन के ऊपर लिखा हुआ है रैंडम, ठीक है जैसे इस क्लिक इस बटन पर क्लिक करूं तो इस डिवीजन का बैकग्राउंड कलर रैंडमली चेंज होना चाहिए, जैसे कभी रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, स्काई कलर हो गया, कोई मतलब कोई भी जितने भी कलर पॉसिबल्स हैं रैंडमली एक कलर आए, कोई फिक्स ना आए, है ना, रैंडम कलर का बनाना है। आप बना लोगे मतलब इस पे क्लिक करते हैं रैंडमली कोई भी कलर लेना है इसमें, इसके बैकग्राउंड में इसका लॉजिक लगाना है आप लोगों को,